चलिए चलते हैं थोड़े ड्रामे के साथ हमारे किचन में। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी। कुमाम शीतते तो अब शीशि मुर्खा को कुमीनी सिंग्यामनी छूते ना क्यों यांगो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए व्लॉग की। और आज है संडे, तो आज संडे का दिन है। तो अभी हम लोग सब रेडी है, नहा लिया है हम लोगों ने, और अभी हम जाने वाले हैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोग को चलकर दिखाती हूँ। और अभी से हम शुरुआत करते हैं हमारे नए व्लॉग की। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। और कल मैंने अपने बालों में मेहंदी भी लगाई थी, और बस शनिवार का टाइम ऐसे ही निकल गया। और संडे भी बहुत तेज़ी से ही निकल रहा है, तो ये छुट्टी के 2 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो अभी हम चलते हैं किचन में, और जो भी हमारा काम है, खाना है, खाना बनाना है, तो ये हमारे डेली के काम है, तो ये तो करने पड़ेंगे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पुलाव, तो उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख ली हूँ। अभी सिर्फ मैं फ्राई करूँगी और कुकर लगा दूँगी, वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ पुलाव। तो चलिए चलते हैं थोड़े ड्रामे के साथ हमारे किचन में। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारियाँ मैंने करके रखी है। यहाँ पे अदरक है, किसा हुआ लहसुन है, हरी मिर्ची है, हरा प्याज है, टमाटर है, और यहाँ सब्जी में है गोभी जिसको बड़े बड़े साइज में हमने काट लिया है, आलू है बड़े साइज में, ये है प्याज जिसको हमने इस वाली मशीन में ग्राइंड कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा, मटर है, और ये लहसुन के पत्ते हैं सूखे वाले, लेकिन धनिया नहीं हमारे पास, और क्योंकि यह सब्जी वाला भी नहीं आया और ख़त्म हो चुका था। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालूँगी खड़े मसाले, ये सब आप देख पा रहे हैं, ये खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। और खड़े मसाले में क्या चीज़ें हैं आपको दिख रही होगी, ये तेज पत्ता है, ये बड़ा इलायची है, काली मिर्च है, और जीरा राई है। तो इसको हल्का सा हम पकने देते हैं, थोड़ा तेल कम आया है क्योंकि कैमरे में ना फिर वो तेल बहुत ज़्यादा ऊपर तक आता है। अब मैं डालूंगी लहसुन की पत्तियाँ, और उसके साथ डालूंगी ये हमारे मसाले। देख पा रही हूँ कि ये प्याज है बहुत सारी, तो मैं ज़्यादा मसाले वाला पुलाव बना रही हूँ। छोटी छोटी प्याज है इसमें जो मैंने उस मशीन में ग्राइंड कर ली थी। तो इसको हम हल्का सा पकने देंगे, और थोड़ा सा मैं पहले नमक डालूंगी इसमें ताकि जो हमारी प्याज है ना वो जल्दी से पानी छोड़ दे। तो इतना मैं नमक डाल देती हूँ, आप लगने लायक थोड़ा नमक डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम इसको 5-6 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे गरम मसाले और टमाटर और बाकी की जो सब्जियां हैं वो भी डालेंगे। तो तब तक के लिए आप घूम कर आइए। देख रहे हैं आप ये मसाला कैसे एकदम खदखदा रहा है एकदम हीट में, इसका तेल भी ऊपर आ गया है प्याज का। मैं इसमें डाल दूंगी सारे अब गरम मसाले। तो चलिए दोस्तों अब हम जाते हैं स्टेज टू की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया मसाले में तेल छूट चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाले। तो सारा जो खेल है ना गरम मसालों का है, तो ये है हमारा धनिया पाउडर। तो मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और ये है गरम मसाला, ये हमारे घर का है गरम मसाला, मैजिक मसाला, इसमें सारे मसालों का मिश्रण है, इससे आ जाएगा बढ़िया सा टेस्ट। मैंने थोड़ी सी डालूंगी इसमें लाल मिर्च, और डाल दूंगी अब मैं इसमें टमाटर। अगर दही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दही के साथ और भी अच्छा लगता है।
चलिए इन मसालों के साथ इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप होने देते हैं, उसके बाद हमारी सब्जियां डाल देंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी अभी हमारी हरी सब्जियां जो भी है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो पक गया है। अब एक दो मिनट हम ये सब्जी डाल के, या चाहे तो ज़्यादा भी हम पका सकते हैं, इसको पकने देंगे कुछ देर। तो चलिए अब ये थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सब्जियाँ हैं मसालों में अच्छे तरीके से पक रही हैं, और थोड़ी बहुत पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल और बस पानी डाल के हम कुकर को लगा देंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से मसाले प्रिपेयर करना है पुलाव के लिए, तो सारा खेल आपका यहीं तक होता है पुलाव में। तो देखिए एकदम लबाबदार हमारा मसाला बनकर रेडी है, और अगर मैं आप लोग को टेस्ट करवा पाती तो इस पुलाव का ज़रूर टेस्ट करवाती, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल जो मैंने साफ़ करके रखे हैं, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं इतना ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम दोनों टाइम के लिए पुलाव बना रहे हैं अपना, ताकि हमको अब रात को भी कुछ बनाना ना पड़े। तो अब हम यहाँ पर पानी मिलाएंगे जितना हमें लगना है। तो हमारा कुकर थोड़ा सा छोटा पड़ गया है चावल के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे पहले इसको कम कम पानी डाल के, मतलब इसमें जितना पानी समा जाए थोड़ा थोड़ा चावल पका लेंगे अभी खुला रख के ही, और फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डाल के कुकर लगा देंगे। तो इसमें एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं, तो इस बार मैं भी कर लूँगी एक बार चेक, और बस कुकर की सीटी लगाएंगे, और पुलाव जब अब रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखिए हमारा जो पुलाव है वो बनकर रेडी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें एक्स्ट्रा हम लोगों ने बनाया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिख रहा है, बट बहुत अच्छे से पक चुका है, चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं। और अब हम लेते हैं हमारी प्लेट में थोड़ा सा आराम से। तो ये देखिए गोभी, और ये रहे हमारे आलू, और एकदम खुला खुला हमारा पुलाव बनकर रेडी है। तो यहाँ पर देखिए फ्लैश बंद कर रहे, सो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो पुलाव है वो बनकर रेडी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया एकदम हमारा खिला खिला पुलाव बना है। एकदम जो चावल है ना एकदम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इसका भी एक राज है चावल अलग अलग होने का, जो मैं आपको कभी और बताऊंगी अगर आप पूछेंगे तो। और यहाँ पर देखिए ये हमारी गोभियाँ हैं, आलू भी है, जो बड़े बड़े साइज के आलू डाली थी मैंने, ये आलू है, और मटर भी आपको दिख रहे हैं। इसमें करके बताती हूँ कि पुलाव कैसा बना हुआ है। तो ये लीजिए फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए, और अब मैं टेस्ट करती हूँ। जितने भी मसाले मैंने इसमें डाले हैं काफी अच्छे से फ्लेवर्स आ गया है इनका, और जो पुलाव है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग भी कभी ट्राई करिए और बताना कि कैसा बना है। इस तरीके से पुलाव बनाने में जो पुलाव का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, तो मेरा पुलाव तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब हम लोग
बैठ के आराम से हमारा पुलाव खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये आज का व्लॉग कैसा लगा। स्पेशली इसमें रेसिपी थी पुलाव की, तो मैंने आप लोगों के साथ आज इसको बता दिया। वैसे मैंने कई बार शेयर किया है पुलाव का व्लॉग, लेकिन आज भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे। अगर आप लोग नए आते हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपना पुलाव एंजॉय करती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।